नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको केसेट टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस, कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको केसेट टैबलेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो केसेट टैबलेट, इसके मार्केट प्राइस के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी मार्केट प्राइस 16.80 रुपये है और यह 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग निकेम ड्रग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा होती है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। इसमें सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है जो कि प्रत्येक टैबलेट में 10 mg होता है। तो आइए जान लेते हैं केसेट टैबलेट के यूजेज के बारे में, इसका इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड यह एक एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जी ग्रुप की दवा है। तो इसका इस्तेमाल एलर्जी की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसी भी कारण से शरीर में एलर्जी हो गई हो, जिससे कि खुजली हो रही हो, दाने निकल गए हों, या शरीर पर लाल चकत्ते हो गए हों। इसके अलावा मौसमी एलर्जी, सर्दी जुकाम, नाक से पानी बहना, आँख से पानी बहना और गले में खराश, खांसी आना, इन सब समस्याओं को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा धूल मिट्टी से एलर्जी या किसी दवा को खाने से एलर्जी हो जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी प्रकार से शरीर में एलर्जी हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए केसेट टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, यह हमारे शरीर में एलर्जी की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक पदार्थ हिस्टामिन को रोकने का काम करता है, जिससे कि एलर्जी ठीक हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, केसेट टैबलेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो केसेट टैबलेट को एक एडल्ट व्यक्ति दिन में एक बार खाना खाने के बाद इस टैबलेट को ले सकते हैं। इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और समस्या के ऊपर निर्भर करता है कि कितने दिन तक इस्तेमाल करना है। तो जितने दिन तक डॉक्टर्स कहें उतने दिन तक ही इसका इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं केसेट टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इस टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त की समस्या, मुँह सूखना और थकावट महसूस होना, नींद आना, सर दर्द होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और इसमें मौजूद कंटेंट से किसी को एलर्जी है तो एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में खुजली होना, दाने निकलना। और कुछ सावधानियों की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेंस और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको वाहन आदि चलाने से बचना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की जानकारी केसेट टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।